हमीरपुर शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी के चलते अब शहर में इको फ्रेंडली लिफाफे का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में मक्की की पत्तों से बने लिफाफे हमीरपुर पहुंच रहे हैं, जिनका प्रयोग करने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये लिफाफे 180 दिनों में अपने आप ही मिट्टी में मिल जाते हैं। पूरे प्रदेश में प्लास्टिक बैन के चलते प्लास्टिक के लिफाफे प्रदेश में बैन है, लेकिन हमीरपुर शहर में पहुंचे तो बायो डिग्रेडेबल लिफाफे मक्की के पत्तों से बने हुए होते हैं और इनसे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं होता है। इन लिफाफों के प्रयोग के लिए शहर के दुकानदारों को प्रेरित किया जा रहा है। वहीं इन लिफाफों की कीमत भी बहुत कम है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये लिफाफे बहुत ही जरूरी हैं। समन्वयक विकास शर्मा ने बताया कि इन इको फ्रेंडली लिफाफों से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये लिफाफे 180 दिनों में अपने आप ही मिट्टी में मिल जाते हैं। इन लिफाफों के प्रयोग के लिए शहर के दुकानदारों को प्रेरित किया जा रहा है। वहीं इन लिफाफों की कीमत भी बहुत कम है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये लिफाफे बहुत ही जरूरी हैं। नगर परिषद हमीरपुर ने स्वच्छता को लेकर मुहिम तेज कर दी है और इसी के चलते अब प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कवायद भी शुरू कर दी है। हमीरपुर बाजार में नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर गांधी चौक से लेकर बोटा चौक तक सफाई कर्मियों ने रैली निकाली और प्लास्टिक से परहेज करने और स्वच्छता बनाए रखने को लेकर लोगों को संदेश दिया। नगर परिषद के पर्यवेक्षक राजेंद्र शर्मा ने बताया कि 11 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्लास्टिक मुक्त हमीरपुर बनाने की कवायद शुरू की है। उन्होंने बताया कि सभी लोगों के सहयोग की इस मुहिम को सफल बनाने के लिए अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 7 दिनों के प्लास्टिक को PWD विभाग को सौंपने के लिए ले जाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विद्युत कर्मचारी यूनियन नूरपुर ज्वालीबा फतेहपुर की यूनिटों के पदाधिकारियों की बैठक नूरपुर के बोर्ड में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन महोल ने की। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में 16वें अधिवेशन में जो कि 28 सितंबर व 29 सितंबर को होने जा रहा है, उसमें आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन महोल ने बताया कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी के चलते आए दिन तकनीकी कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि एक एक कर्मचारी के हिस्से में 30 से अधिक ट्रांसफार्मर की जिम्मेदारी है। कर्मचारी काम के बोझ के कारण दबा हुआ है। उन्होंने कहा कि यूनियन बोर्ड प्रबंधक वर्ग से मांग करता है कि जूनियर टीममेट को सहायक लाइनमैन और जूनियर हेल्पर को SSA और JO1 IT को वरिष्ठ सहायक और JO अकाउंटेंट को अकाउंटेंट बनाया जाए। कंप्यूटर ऑपरेटर को JE IT पदोन्नति के लिए शीघ्र अतिशीघ्र नियम बनाए जाएं। साथ ही वर्क ऑर्डर पर कार्यरत कर्मचारियों को नीति बनाकर बोर्ड में लगाया जाए। पवन महोल ने कहा कि विद्युत बोर्ड में आजकल अधिकांश कार्य ठेके प्रथा पर हो रहे हैं, जिसके कारण गुणवत्ता में कमी आई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के रहन में अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन कारगिल शहीद रणवीर सिंह की पत्नी सरोज बाला ने की। इसमें भाजपा युवा मोर्चा के सचिव पंकज हैप्पी, जिला परिषद सदस्य एवं भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री जगदेव पठानिया सहित अन्य नेताओं ने रक्तदानियों का धन्यवाद किया और कहा कि ऐसे शिविरों से युवाओं को देश, राष्ट्र और समाज की सेवा का अवसर मिलता है। उसमें नई ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव भी पैदा होता है और कॉलेज के युवा वर्ग को
देखते ये कहा जा सकता है कि सभी ने रक्तदान के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाई है। उन्होंने सभी रक्तदानियों का धन्यवाद किया। नूरपुर ब्लड डोनर क्लब के अध्यक्ष राजीव पठानिया ने कहा कि रक्तदान में सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। उन्होंने रहन के सभी लोगों, व्यापार मंडल तथा इस शिविर को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद भी किया।